ठीक है। जो है ये कैपेसिटी बिल्डिंग के नाम से कोर्स है जिसको हम समर शार्ट कोर्स कह रहे हैं। वैसे एक्चुअली हमारे डिपार्टमेंट में ना ये तीन कोर्सेज ऑफर हुए थे, एक था फ्यूल टेस्टिंग टेक्निक्स, एक था हमारे पास जो है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इन कंप्लायंस विद ईपीए। ईपीए आपका जो है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो इमिशंस को कंट्रोल करते हैं कि जो अलाउेबल इमिशंस लिमिट्स है उसमें आपने कोई भी फैक्ट्री या इंडस्ट्री रन करनी है। और थर्ड वन जो जिसको आपने ज्वाइन किया है जो अभी स्टार्ट है, दैट इज मटेरियल एनर्जी बैलेंस टेक्निक्स ऑन इंडस्ट्रियल प्लांट्स यूजिंग एमएस एक्सेल। तो आप लोग इनमें भी रजिस्टर कर सकते हैं, उनकी टाइमिंग और क्लासेस डिफरेंट होंगी। ये हो गया आपके पास, ये मैंने उस दिन भी बताया, ये आपसे शेयर भी किया था कि एक्चुअली हमारे पास कोई भी केमिकल प्रोसेस प्लांट होता है। मेरी आवाज सबको क्लियर यस सर, क्लियर है। किसी बच्चे को अगर कोई बात समझ नहीं आती या आवाज का कोई इशू है या कोई डिस्टॉर्शन आती है तो लेट मी नो, ताकि उसी टाइम पे ही मैं फिर अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लूँ। तो बेटा आप देखें, जो फोर्थ सेमेस्टर के जो मतलब आपके फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ये थर्ड सेमेस्टर सेकंड में पढ़ा है, जो अभी सेकंड में पढ़ रहे हैं, तो है ऐसे कि देखें ये हमारे पास कोई भी केमिकल प्रोसेस प्लांट है, इंडस्ट्री लगी हुई है, तो इसमें तीन सेक्शन होते हैं जो मेन सेक्शन जिनको हम कहते हैं। एक प्री हीटिंग सेक्शन है। प्री हीटिंग हम क्यों करते हैं? प्री हीटिंग एक्चुअली आप इसलिए करते हैं ताकि आपके पास जो जो फीड आ रही है उसका जो टेम्परेचर्स है, प्रेशर्स हैं, स्टेट्स हैं, वो आपकी ओन कंडीशंस पे अचीव हो जाए जिस पे आपने केमिकल रिएक्शन करवाना है। जो केमिकल रिएक्शंस है, केमिकल सेक्शन है, उसमें केमिकल रिएक्शन एक आपका स्पेसिफिक स्पेसिफिक टेम्परेचर, स्पेसिफिक प्रेशर, स्पेसिफिक कंडीशंस पे होता है। तो जब तक वो कंडीशंस अचीव नहीं होंगी आपके रिएक्टेंट्स जो है आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। और थर्ड वन सेक्शन, सेकेंड वन है केमिकल सेक्शन, जिसमें आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, ए और बी दो रिएक्टेंट्स या ए बी और सी तीन रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे और आपके पास कोई प्रोडक्ट्स बना देंगे। वो एक प्रोडक्ट हो सकता है, वो टू प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, मल्टीपल रिएक्शन भी हो सकते हैं। कुछ रिएक्शन आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं जिसमें आपके पास हीट इवॉल्व होती है, जब जैसे रिएक्शन कंप्लीट होता है प्रोडक्ट बनते हैं। कुछ रिएक्शन एंडोथर्मिक होते हैं कि आपको हीट देनी पड़ती है ताकि वो हीट जाए और आपके बॉन्ड ब्रेकेज हो रिएक्टेंट्स की और वो प्रोडक्ट्स बने। थर्ड वन इज सेपरेशन सेक्शन, जिसमें हम जब प्रोडक्ट्स बन जाता है उस प्रोडक्ट्स में कुछ डिजायर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, क्योंकि अगर कन्वर्जन आपकी 99% है तो उसमें तो आपको सेपरेशन की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। 1% ऑन जो डिजायर्ड चीज़ें वो जा रही होती हैं। अगर कन्वर्जेंस कम है, 50% है, 70% है, 80% है, 85% है, तो उस केस में आपके पास डिजायर्ड जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है उसकी कन्वर्जेंस जो है वो अचीव नहीं, वो जो उसके साथ साथ अनडिजायर्ड प्रोडक्ट्स भी बन रहे होते हैं। ये हम कन्वर्जेंस किस पे डिपेंड करते हैं, हमारी लिमिटिंग रिएक्टेंट पे, एक्सेस रिएक्टेंट पे? आपसे भी क्वेश्चन साथ साथ होंगे ना। जो भी कन्वर्जेंस है, जो भी रिएक्टेंट्स आप इसमें रिएक्ट करते हैं, तो कन्वर्जेंस सर, किस, लिमिटिंग बे कैसे अंदाजा, कैसे आइडिया हुआ, कैसे आप बता, किस बेसिस पे आप कह रहे हो? ठीक है, आंसर आपका ठीक है, आप मुझे बता दें जरा लिमिटेड रिएक्टेंट क्यों, हम उसकी बेसिस पे कन्वर्जेंस क्यों करते हैं, व्हाई नॉट एक्सेस रिएक्टेंट? क्योंकि वो तो प्रोडक्ट्स में, जब प्रोडक्ट्स बन जाते हैं तब भी प्रोडक्ट्स में जा रहा होता है एक्सेस रिएक्टेंट जो बच जाता है। उसका आंसर ये है क्योंकि जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है ना वो हमारे पास रेट डिटरमिनिंग स्टेप्स, मतलब ये बताता है कि क्योंकि उसकी अमाउंट पहले कंज्यूम हो जाती है, जैसे ही वो कंज्यूम होती है तो हमारा रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। और हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा रिएक्शन स्टॉप हुआ, प्रोडक्ट्स कब तक बनेंगे? तो लिमिटिंग रिएक्टेंट हम एक डिफाइन करते हैं कि ये हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है जिसकी अमाउंट कम है, मैस कम है, ताकि हम उसको फिर कन्वर्जन बेसिस बना के कल क्वेश्चन दें। अच्छा, इसके बेनिफिट्स ये हैं कि आपको एक तो कोर्स सर्टिफिकेट दिया जाएगा जब ये जो है 2 वीक्स कंप्लीट हो जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप अपनी सीवी के अंदर एक्सेल कैलकुलेशन स्किल्स बता सकते हैं कि मैंने जो है ना, हमने समर शॉर्ट कोर्स किए हैं, उसमें हमने मटेरियल बैलेंस के ऊपर किया है, डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर। अगर आपने फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का इंटरव्यू देना है वहाँ पे भी बता सकते हैं, वो पूछेंगे कि एक्सेप्ट योर एजुकेशन, व्हाट यू हैव मोर स्किल्स, व्हाट आर द बेस्ट थिंग्स ऑन विच बेसिस
वी मे कंसीडर यू आर पोटेंशियल कैंडिडेट्स. आप कह सकते हैं कि इंटरव्यूज में ये भी कह सकते हैं कि हमने फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का है तो हमने फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के ऊपर एक्सेल कैलकुलेशंस की हुई हैं. अगर शुगर इंडस्ट्री में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं वहाँ पे बता सकते हैं. अगर आप वैसे कहीं पे अप्लाई कर रहे हैं तो सीवी के अंदर मेंशन कर सकते हैं, या वैसे आप सीवी में मेंशन भी किया हुआ है वहाँ पे कुछ एप्लीकेशन में लिखा होता है कि एक सेक्शन होता है कि आपकी एक्स्ट्रा स्किल्स क्या हैं, वहाँ पे आप ये कोर्स जो सर्टिफिकेट है अपलोड कर सकते हैं, उसमें डिटेल बता सकते हैं कि 2 वीक्स कोर्स था, ये चीज़ें की हुई हैं. सीवी में प्लस पॉइंट है. और बीइंग अ केमिकल इंजीनियर आपको एक्सेल के ऊपर मटेरियल एनर्जी बैलेंस करना, आगे आप सेपरेशंस पढ़ोगे, डिजाइंस पढ़ोगे, वो करने आने चाहिए, क्योंकि आप इंडस्ट्री के अंदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप पेन और पेज कैलकुलेशंस नहीं कर सकते. आप कितनी देर तक करेंगे उनको, कितनी देर तक स्टोर कर सकते हैं, तो एक्सेल के ऊपर आप करेंगे. आपको एक्सेल क्योंकि मैनुअल नंबर ऑफ टाइम्स आइट्रेशंस करनी पड़ती हैं, जब आप डिज़ाइन करते हैं, जब आप कैलकुलेशंस करते हैं, तो वो आप थ्रू पेन और पेज वर्क नहीं कर सकते, तो आप एक्सेल की हेल्प लेते हैं. 2 वीक्स है हमारे पास. 1 वीक में मटेरियल बैलेंस को डिस्कस किया जाएगा, जिसमें मोस्टली फर्टिलाइजर प्लांट हैं, शुगर प्लांट्स हैं, पेट्रोलियम प्लांट्स, पेट्रोलियम इंडस्ट्री है. और सेकंड पे एनर्जी बैलेंस को डिस्कस करेंगे, वो भी यही है, ये मिनिमम है, मैक्सिमम हो सकते हैं वो हम बढ़ा देंगे, एक बार दिन एक्स्ट्रा भी लेक्चर ले लेंगे. अच्छा, आप में से कोई मुझे बता सकता है कि जो सीनियर्स हैं आप में से, जो बच्चों ने कर लिया, कि ये जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, इज इट पेट्रोलियम इंडस्ट्री में मोस्टली यूनिट ऑपरेशन हो रहे होते हैं, यूनिट प्रोसेस हो रहे होते हैं? यूनिट ऑपरेशन और प्रोसेस का डिफरेंस पता है सबको? उमर, व्हाट इज यूनिट प्रोसेस और यूनिट ऑपरेशंस? आपकी आवाज ना थोड़ी कम आ रही है, काइंडली जरा लाउड थोड़ा क्लियर दोबारा से बता दें, थोड़ा ऊंचा बोल लें. कोई और स्टूडेंट बता दे सेम यही वर्डिंग जो इन्होंने बताई है. यूनिट में जो है फिजिकल चेंजेस होती हैं और यूनिट प्रोसेस जो होता है उसमें केमिकल चेंजेस. ठीक है. अब पेट्रोलियम इंडस्ट्री में आप करते क्या हो? पेट्रोलियम इंडस्ट्री में आपने क्रूड ऑयल लिया, पेट्रोल लिया, उसको सेपरेशन कर रहे होते हो ऑन द बेस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स. तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में मोस्टली आपके पास क्या लगे होते हैं? जो सेपरेशन यूनिट्स होते हैं ना, जिसमें आप जो है क्रूड, नेफ्था, जो है बाकी केरोसिन, डीजल वगैरह को सेपरेट आउट कर रहे हो, तो वो क्या हो गया? यूनिट ऑपरेशन हो गया, यूनिट प्रोसेस हो गया? यूनिट ऑपरेशन. अगर आप सेपरेशन जस्ट कर रहे हो ऑन द बेस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ऑन द बेस ऑफ वोलेटिलिटी, तो दैट विल बी यूनिट ऑपरेशन. अगर हाँ वहाँ पे क्रैकिंग यूनिट्स लगे हुए हैं, क्रैकर्स लगे हुए हैं, तो उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं. तो बस ये आपको आइडिया होना चाहिए, ये पहले भी बताया मैंने. अब जनरल रूल क्या है, किसी भी मटेरियल बैलेंस में आपके पास नंबर ऑफ स्ट्रीम्स इनपुट उनका जो मैस है मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ स्ट्रीम आउटपुट उनका जो मैस है. तो मिक्सर क्या कर रहा होता है आपके पास? मिक्सर में नंबर ऑफ स्ट्रीम्स आती हैं, चीजें आप मिक्स करते हो और आपको क्या मिलती है? एक आउटपुट स्ट्रीम मिलती है. नंबर ऑफ स्ट्रीम्स इनपुट होती हैं और वो जिनकी कंपोजिशन डिफरेंट होती हैं, फेजेस डिफरेंट होते हैं, उनको मिक्स करके एक ही स्ट्रीम बनाता है विद होमोजीनियस कंपोजिशन फेज. इस तरह जो स्प्लिटर है, मिक्सर स्प्लिटर में डिफरेंस है. स्प्लिटर क्या करता है? स्प्लिटर का मतलब स्प्लिट करना, डिवाइड करना. तो आपके पास एक स्ट्रीम आती है, ठीक है, लेकिन स्प्लिटर में आपके पास जितनी भी स्ट्रीम स्प्लिट होंगी उनमें जो कंपोजिशन है वही होंगी जो ओरिजिनल स्ट्रीम होगी, चाहे उसमें जितनी भी आप स्ट्रीम्स बना लें, लेकिन जो उनमें कंपोजिशन होगी वो कौन सी कंपोजिशन होंगी? शीट स्ट्रीम्स वाली कंपोजिशन. ये जो आपके है सीनियर स्टूडेंट्स, इनको मैंने काफी दफा बताया स्प्लिटर और सेपरेटर का क्या काम होता है. सेपरेटर भी सेपरेट आउट करता है एक स्ट्रीम को डिफरेंट स्ट्रीम्स में, लेकिन विद डिफरेंट कंपोजिशन. जबकि स्प्लिटर क्या करता है? एक जो है मेन स्ट्रीम है उसको स्प्लिट करता है, डिवाइड करता है नंबर ऑफ स्ट्रीम्स में, 2, 3, 4, 5, लेकिन उनमें अगर यहाँ पे लेट्स सपोज ए बी सी तीन कंपोनेंट है मेन स्ट्रीम में, तो उन तीन कंपोजिशन में अगर 85% कंपोजिशन है, 22% कंपोजिशन है, तो यहाँ पे भी S1, S2, S3, S4 में स्ट्रीम 4 में कौन सी कंपोजिशन होंगी? 85, 82, 74 जो भी हैं कंपोजिशन फीड स्ट्रीम्स की. तो ये आपने याद रखना है इस चीज़ को, इस रूल को याद रखना है कि मटेरियल बैलेंस जो आपका किसी भी प्लांट के ऊपर मटेरियल बैलेंस होता है वो इनपुट स्ट्रीम का हमेशा किसके को आता है? आउटपुट स्ट्रीम्स के. ये जनरल बैलेंस, जनरल रूल है. तो हमारे पास दो काइंड्स के मटेरियल बैलेंस होते हैं. एक हम ओवरऑल मटेरियल बैलेंस लगा लेते हैं
जो कि पूरे प्रोसेस प्लांट को देखते हैं कि टोटल स्ट्रीम्स इन कितनी हुई, आउट कितनी हुई। विद इन दिस सिस्टम हम नहीं देखते कि अंदर सिस्टम के अंदर अगर जो भी हो रहा है, स्ट्रीम्स रिएक्टर से बाहर जा रही है, सेपरेटर से बाहर जा रही है, उसको हम नहीं देखेंगे। अगर हमारी उस बाउंड्री लाइन को जो स्ट्रीम्स इन करेगी या आउट करेगी, क्रॉस करेगी, जिसके इंटरेक्शन बाउंड्री लाइन के साथ होगा, तो एक वो हो गया ओवरऑल मटेरियल बैलेंस, जिसमें हम टोटल फ्लो रेट चेक करते हैं स्ट्रीम्स का, इनपुट का और आउटपुट का। एक होता है कंपोनेंट मटेरियल बैलेंस। कंपोनेंट में क्या करते हो आप, एक एक एलिमेंट का, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, सल्फर है, क्लोरीन है, ये आइटम्स ही है ना, कंपोनेंट है, उनका बैलेंस चेक करते हो इंडिविजुअल स्ट्रीम्स का। तो ये अगर मैं चेक करूँ तो ये क्वेश्चन वन जो है ये क्या बता रही है, दैट इज ओवरऑल मटेरियल बैलेंस आर कंपोनेंट मटेरियल बैलेंस। एक मिनट मैं स्टूडेंट्स पूछ लेता हूँ भाई इंडिविजुअल्स, ये अक्सर बच्चे आप बता दो स्ट्रीम वन क्या बता रही है आपको। सर ओवरऑल है क्योंकि हमारे पास जो एफ है वो इक्वल है नीचे जो स्ट्रीम निकल रही है डब्ल्यू और ऊपर जो स्ट्रीम निकल रही है डी, इसकी इक्वल है क्योंकि दो आउट। हाँ जी, आपने जब भी मटेरियल बैलेंस लगाना है, ठीक है, ओवरऑल लगाना है या कंपोनेंट, आप उसके ऊपर बाउंड्री लाइन ड्रॉ करते हो। ये आपके जो सीनियर है उनको भी पता होगा, जिन्हें अभी फ्रेश पढ़ा है उनको भी पता होगा, आप बाउंड्री लाइन ड्रॉ करो। अब इस बाउंड्री लाइन को ड्रॉ करने के बाद आपको आइडिया होगा इस बाउंड्री लाइन को कौन कौन सी स्ट्रीम्स इन और आउट क्रॉस कर रही है। तो एक स्ट्रीम हमारे पास एफ वाली इसको इंटरेक्ट कर रही है, एक डी वाली इंटरेक्ट कर रही है, और एक डब्ल्यू वाली स्ट्रीम इंटरेक्ट कर रही है। तीन स्ट्रीम्स है ना। तो इनपुट पे क्या है, यहाँ पे मैं अब वही जनरल मटेरियल बैलेंस इक्वेशन लगाता हूँ। इनपुट मास इन विद इन द सिस्टम माइनस मास आउट फ्रॉम द सिस्टम प्लस मास जनरेटेड विद इन द सिस्टम माइनस मास कंजम्पशन विद इन फ्रॉम द सिस्टम इज इक्वल टू मास एक्युमुलेशन। तो ये कौन सा सिस्टम है आपके पास, दैट इज फिजिकल सिस्टम और केमिक, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है या जस्ट सेपरेशन हो रही है। हेलो, ये हफ्जा बच्चे आप बताओ इसमें कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है। नो सर, इसमें ये नहीं है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, ये दैट इज जस्ट फिजिकल सेपरेशन। अब फीड आई उस कंपोनेंट को दो स्ट्रीम में सेपरेट कर दिया, तो इसमें जो आपकी जनरेशन टर्म होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो, केमिकल रिएक्शन नहीं है। तो आपकी जो जो कंजप्शन टर्म है वो भी जीरो हो जाएगी। सेपरेशन है ना, जस्ट कंजप्शन तब होती है जब आपके पास रिएक्टेंट हो, उनका मास कंज्यूम होता जाए, खर्च होता जाए, इस्तेमाल होता जाए, और एक्युमुलेशन टर्म भी जीरो है क्योंकि हम इसको कह देते हैं दैट इज अनस्टेडी स्टेट कंडीशन। तो इनपुट स्ट्रीम इज इक्वल टू मास इन विद इन द सिस्टम इज इक्वल टू मास आउट फ्रॉम द सिस्टम। तो हम इसको ये assumptions ले लेते हैं। तो मास इन में क्या आ रहा है आपके पास, एफ आ रहा है, और मास आउट में क्या आ रहा है, दो स्ट्रीम्स आ रही हैं, एक डी का मास डी स्ट्रीम का और वेस्ट स्ट्रीम या डब्ल्यू स्ट्रीम। तो ये आपके पास ओवरऑल सिस्टम हो गया। इस तरह आपके पास जो कंपोनेंट मटेरियल बैलेंस है वो भी है। अगर आप बी स्ट्रीम का बैलेंस लगाते हो, आप चेक करते हो कि बी कहाँ कहाँ पे जा रहा है, बी एक तो फीड में आ रहा है और कहाँ कहाँ जा रहा है। मोमना बच्चे आप बताओ, बी जो है आपके पास एक फीड में आ रहा है बेंजीन, बी स्टैंड फॉर बेंजीन, टी स्टैंड फॉर टोलीन, एक्स स्टैंड फॉर ज़ाइलीन। बेंजीन एक तो फीड में आ गया, बी एफ आ गया, और बेंजीन कहाँ कहाँ जा रहा है, किस किस स्ट्रीम में जा रहा है। सर एक डी वाले हाँ, एक डी में जा रहा है, एक डब्ल्यू में जा रहा है। और डी में जब जा रहा है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मास ऑफ डी इन बी स्ट्रीम, मास ऑफ जो है बी इन डब्ल्यू स्ट्रीम, ठीक हो गया। तो ये तो दो स्ट्रीम, इस तरह ये टोलिन का बैलेंस भी लगा लोगे, ज़ाइलीन का भी लगा लोगे, तो इन सबको अगर मैं चेक करना चाहूँ तो ये किसके इक्वल है, ये सारी की सारी स्ट्रीम्स किसको कोरिलेट कर रही है, स्ट्रीम वन को, इक्वेशन वन को, कि आपके पास जो स्टीम टू का मास है लेट्स सपोज वो 30 kg आता है, स्टीम थ्री का मास है दैट लेट्स सपोज वो 20 kg आता है, स्टीम फोर का मास लेट्स सपोज वो 50 kg, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा 100 kg के। यानी मास ऑफ स्टीम टू प्लस मास ऑफ स्टीम थ्री प्लस मास ऑफ स्टीम फोर विल बी इक्वल टू मास ऑफ स्टीम वन। समझ आ गया। तो यहाँ पे तीन ही क्वेश्चन क्यों बनाई है इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की। हफ्जा बच्चे आप बताओ यहाँ पे तीन ही क्वेश्चन क्यों बने, हमें कैसे पता चला कितनी क्वेश्चन बनानी है। हेलो सर, क्योंकि थ्री कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं बी और फीड में। हाँ जी, फीड में तीन कंपोनेंट्स आ रहे हैं और प्रोडक्ट्स में भी हमारे तीन कंपोनेंट्स ही जा रहे हैं। अगर फीड में तीन कंपोनेंट्स होते और प्रोडक्ट्स में चार कंपोनेंट्स चले जाते, ठीक है, जब केमिकल रिएक्शन होता है, तो उस केस में हम कितनी क्वेश्चंस बनाते, फोर। यानी पहले आपने फीड में देखने,
अगर तीन कंपोनेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स में भी वही तीन कंपोनेंट्स विद डिफरेंट कंपोजिशन जा रहे हैं तो आपकी क्वेश्चन तीन बन जाएंगी। अगर फीड में तीन कंपोनेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स में चार चार कंपोनेंट्स जा रहे हैं तो आपकी नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी हो जाएंगी, फोर हो जाएंगी इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की, क्योंकि उस जो फोर्थ प्रोडक्ट में जा रहा है उसकी भी तो क्वेश्चन बनेगी ना, फीड में वो नहीं आ रहा लेकिन वो प्रोडक्ट में तो बन रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, यहां तक समझ आ गया? तो सर फिर हम लोग फीड की मतलब कि इक्वेशन जब हम लोग जो फीड इन और इज इक्वल टू प्रोडक्ट होता है तो उस पे जब हम लोग वहां पर फीड की होता है कि कंपोजिशन है नहीं उस कंपोनेंट की कोई लेकिन प्रोडक्ट में आ रही है तो हम इक्वेशन में जीरो इज इक्वल टू करेंगे आगे इक्वेशन। जी जी, फीड में वो जीरो इन पे जीरो आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा, आउट पे आ जाएगा, जनरेशन में आ जाएगा, कंजम्पशन में आ जाएगा, सॉरी जनरेशन में आ जाएगा और आउट पे आ जाएगा, कंजम्पशन भी नहीं हो रही क्योंकि फीड में जो चीज फीड में होगी वही कंज्यूम होगी। ये मैं बताता हूँ आगे, ये सिर्फ आपको सिर्फ ये एक एक बात याद रखनी है, फीड को नहीं देखना। अगर फीड में तीन कंपोनेंट्स आपको हो तीन ही क्वेश्चंस बनेंगे, प्रोडक्ट्स में भी देखना है। अगर कंपोनेंट्स प्रोडक्ट्स में चार हो जाएंगे तो आपकी क्वेश्चंस कितनी हो जाएंगी, फोर। फीड में उनको हम इनपुट पे जीरो कर देंगे प्रोडक्ट में जो बन रही है। यहां तक क्लियर है सबको? ये आ गया। आप डिग्री ऑफ फ्रीडम क्यों करते हैं? देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम एक हमारे पास चेक है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, समझ आ गया? ये चेक हो गया कि ये हमें बताता है कि जो सिस्टम है आपके पास स्पेसिफाइड या ओवर स्पेसिफाइड, दैट इज सॉल्वेबल और नॉट। ये आपके पास सॉल्वेबल है कि नहीं, इसको हम सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। अब सिस्टम में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, ये एक मिनट, ये स्टूडेंट बताया है। नुमान बेटा आप बताओ, नुमान कोई भी सिस्टम है जिसके ऊपर आप मटेरियल बैलेंस कर रहे होते हो, लेट्स सपोज कोई केमिकल प्लांट है, तो उसके सिस्टम को आप कैसे डिफाइन करते हो? देखो जब भी आप मटेरियल बैलेंस लगाते हो ना तो आप एक सिस्टम डिफाइन करते हो, जो कि आपका एक प्लांट होता है या कोई प्रोसेस होता है, इक्विपमेंट होता है, रिएक्टर हो गया, सेपरेटर हो गया, मिक्सर हो गया, वो आपका सिस्टम है। एनीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम। तो अब हम किसी प्लांट के ऊपर मटेरियल बैलेंस लगाना चाह रहे हैं तो उस प्लांट के ऊपर सिस्टम में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? नुमान सर मिक्सर, सेपरेटर, सारे। हाँ जी, मिक्सर, मिक्सर भी सिस्टम हो सकता है, सेपरेटर भी हो सकता है, या पूरे को पूरा उस इक्विपमेंट जो यूनिट्स हैं वो भी आपके पास सिस्टम में आ सकते हैं। ठीक हो गया? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बताते हैं, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स या नंबर ऑफ वेरिएबल्स उसमें से माइनस करते हो नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी बना सकते हो, प्लस जो रिलेशंस हैं कितने रिलेशंस बना सकते हो, प्लस गिवन वेरिएबल्स जो आपके पास गिवन वेरिएबल्स हैं वो कितने आप कर सकते हैं। ठीक हो गया? ये हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम रहा। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो आ जाए सिस्टम को क्या कहते हो आप? हमारा सिस्टम सॉल्वेबल हो जाता है, सिस्टम को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो आ जाए इसका मतलब सिस्टम इज योर इज एट स्पेसिफाइड सिस्टम। क्या हो गया? नंबर ऑफ अननोन्स और नंबर ऑफ इक्वेशंस या वेरिएबल्स वो सारे क्या हो गए? बराबर हो गए। जब आपके पास जितनी इक्वेशंस हो उतने ही अननोन हो तो हम उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी जीरो हो जाती है, उस सिस्टम को हम कह देते हैं दैट इज सॉल्वेबल, तो उसको हम क्या देते हैं दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो। अच्छा, अब अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाती है ग्रेटर देन वन तो उसको हम कहते हैं ओवर स्पेसिफाइड सिस्टम। इसी क्वेश्चन को देखते हुए कि आपके पास जब ग्रेटर देन वन होगी इसका मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा हो गए, इक्वेशंस कम हो गई हैं, ओवर स्पेसिफाइड सिस्टम उसको भी आप सॉल्व नहीं कर सकते। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम लेस देन वन आती है, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, इसका आइडिया है ना, जीरो सेंटर में आता है नंबर लाइन पे और राइट साइड पे आपके पास प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री होते हैं और लेफ्ट साइड पे माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री हो जाते हैं। तो अंडर स्पेसिफाइड सिस्टम को भी सॉल्व करना इजी नहीं होता, ओवर स्पेसिफाइड सिस्टम को भी सॉल्व करना इजी नहीं होता, तो स्पेसिफाइड जो सिस्टम होगा जिसके आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास जीरो आ जाएगी उसको सॉल्व करना क्या होता है, इजी होता है। तो अब हम जो है नेक्स्ट इसको देखते हैं, ये हो गया आप सिस्टम। अब इस सिस्टम को जरा आप अंडरस्टैंड करें, जो है आपके पास कितना हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट डायग्राम में आपके पास फीड में कितने कंपोनेंट्स हैं,
कितने कंपोनेंट्स हैं? सर थ्री कंपोनेंट्स हैं, है। थ्री कंपोनेंट्स। और प्रोडक्ट्स में कितने हैं? प्रोडक्ट में भी थ्री हैं। और दो सिक्स हो गए ना टोटल प्रोडक्ट्स में, तीन टॉप पे और तीन बॉटम पे, तो टोटल कितने कंपोनेंट वेरिएबल्स कितने हो गए? टोटल वेरिएबल्स कितने हो गए? तीन डी में है, तीन डब्ल्यू में है और तीन आपके फीड में है। नाइन हो गए, नाइन हो गए। अच्छा ये एक नाइन इस तरह काउंट है, एक नाइन इस तरह काउंट है। तो देखें आपके पास प्रोडक्ट में कितने हैं, तीन ये हो गए इंडिविजुअल बेंजीन टॉलिन ज़ाइलिन, और तीन यहाँ पे हो गए बेंजीन टॉलिन और ज़ाइलिन, सिक्स हो गए टोटल, सिक्स हो गए ना। और एक डब्ल्यू हो गया सेवन, और एक आपके पास डी हो गया, कितने हो गए एट, और ये आपके पास फीड हो गया, कितने हो गए नाइन। नाइन तो आपने इस तरह काउंट करना है, यानी जो बी बी एंड डब्ल्यू टी एंड डब्ल्यू एक्स एंड डब्ल्यू दीज आर थ्री वेरिएबल्स जो हमें पता नहीं है, डब्ल्यू भी पता नहीं है, चार वेरिएबल्स ये हो गए, चार वेरिएबल्स ये हो गए, क्योंकि ये फीड में बेंजीन का फ्लो रेट, मोलर फ्लो रेट, टोलिन का या ज़ैलिन का ये गिवन है, ये नॉन वेरिएबल्स हो गए, फीड अननोन है। तो ये टोटल कितने हो गए वेरिएबल्स? नाइन टोटल। हाँ, नाइन हो गए। हाँ जी बच्चे, ये नुमान बच्चे आपको समझ आइए? यस सर। फीड में कितने टोटल इस यूनिट वन की कितने वेरिएबल्स हो गए? नाइन। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हो गए? नाइन। और नंबर ऑफ बैलेंसेस इक्वेशंस कितने, कितनी क्वेश्चंस बना सकते हो? थ्री पढ़ी है ना, नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी बनेंगी? तीन ही क्वेश्चंस बनेंगी। हाँ तो कैसे पता चला तीन क्वेश्चंस? फीड में तीन तीन कंपोनेंट है, प्रोडक्ट में भी वही तीन है और इधर भी वही तीन है। इट इज क्लियर? हाँ, अगर यहाँ पे प्रोडक्ट में कोई और कंपोनेंट आ जाता तो आपकी चार क्वेश्चन हो जाती। तो नॉन वेरिएबल्स हैं, तीन ही क्वेश्चन हैं। नंबर ऑफ गिवन रिलेशंस देखो, यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन गिवन है? नहीं, वो रिलेशन में आता है। या आपके पास कोई कन्वर्जन गिवन है? नहीं, वो रिलेशन में आती है। ना ही कोई रिएक्शन गिवन है, ना ही कोई कन्वर्जन गिवन, तो गिवन रिलेशन क्या हो गया? जीरो। तो नंबर ऑफ गिवन वेरिएबल्स, वो वेरिएबल्स जिनकी कंपोजिशन आपको पता हो या फ्लो रेट्स पता हो, ये कितने हैं? ये एक मिनट, अक्सर बच्चे बताओ वो कोई ऐसे कंपोनेंट्स गिवन वेरिएबल्स जिनकी कंपोजिशन या उसके फ्लो रेट्स आपको गिवन हो इस फर्स्ट यूनिट में, कोई है ऐसे? कौन कौन से? 100। हाँ जी शाबाश, इनके भी तीन है, यानी आपके पास गिवन वेरिएबल्स वो थ्री है जिनकी कंपोजिशन हमें पता है। तो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं नंबर ऑफ वेरिएबल्स नाइन, नाइन में से माइनस करो थ्री, माइनस जीरो माइनस थ्री, क्या आंसर आता है? सर थ्री। थ्री। इस तरह आप सेकंड यूनिट पे आओगे, उस पे भी आप डिग्री ऑफ फ्रीडम एनालिसिस करोगे, तो इसको देख लेना। अब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम एनालिसिस करते क्यों है, ये हमेशा मैं क्वेश्चन करता हूँ आप लोगों से, वाई वी परफॉर्म डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि हमारे पास ये चेक करते हैं कि जो भी रिएक्टर है, सेपरेटर है, मिक्सर है, जो भी यूनिट है, इट इज आइदर सॉल्वेबल और नॉट, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, किस किस केस को हम सॉल्व कर सकेंगे? रोलम मोमना बच्चे आप बताओ किस यूनिट को हम सॉल्व कर सकते हैं जहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू क्या हो? जीरो। जीरो। अगर वन आ जाती है, माइनस वन आ जाता है, तो उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते इजीली। तो आपने चेक करना है रिएक्टर पे, सेपरेटर पे, मिक्सर पे, डिस्कशन कॉलम पे डिग्री ऑफ फ्रीडम एनालिसिस लगा के, जहां पे जीरो आपको मिलेगा, आप कहोगे ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया कि हाउ टू स्टार्ट मटेरियल बैलेंस, कहां से मुझे स्टार्ट करना चाहिए। सेकंड पे आ जाते हैं टू वेदर, टू नो वेदर द प्रोसेस इज सॉल्वेबल और नॉट, पता चल जाता है कि नहीं चल जाता? जहां पे जीरो आ जाएगी वो सॉल्वेबल होगा, जहां पे जीरो नहीं आएगी वो प्रोसेस सॉल्वेबल नहीं होगा। इसके बाद आप चेक करते हो कि जो है टू नो द सॉल्यूशन टेक्निक्स एंड सीक्वेंसेस, आप सॉल्यूशन टेक्निक्स कौन सी लगाओगे, कौन सी आ जाती है? आप कंपोनेंट मटेरियल बैलेंस लगा सकते हो, आप कंपाउंड बैलेंस लगा सकते हो, आप ओवरऑल बैलेंस लगा सकते हो, आप कोई कन्वर्जेंस का रिलेशन लगा सकते हो, ये टेक्निक्स होगी, इनको हम अभी डिस्कस करते हैं। ये आ गया बेटा, आप लोग काइंडली अपने पास लैपटॉप ऑन करें, उस पर एक्सेल शीट ओपन करें, या इसको फिलहाल पेन पे लिख दें, पेन के साथ, तो लिखने के बाद फिर हम सेकंड स्टेप एक्सेल पे जाते हैं। ये समझ आ रहे हैं? ये हमारे पास कोई यूनिट वन था, ठीक है, ये यूनिट टू है और यूनिट थ्री है। पहले तो मेरा ये क्वेश्चन है हफ्जा बच्चे बताओ, इज देयर एनी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हियर, इस पूरे सिस्टम पे तीन यूनिट्स में कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है? नो सर, कोई भी नहीं है केमिकल रिएक्शन। तो हो क्या रहा है यहाँ पे? सेपरेशन हो रही है विद डिफरेंट कंपोजिशंस, यानी हर यूनिट एक कंपोनेंट को डिफरेंट कंपोजिशन के साथ, कभी किसी के ज्यादा परसेंटेज ऊपर भेज रहा है, जिसकी ज्यादा ऊपर होगी
जिस कंपोनेंट की टॉप पे ज्यादा परसेंटेज हो, जैसे बेंजीन है, इसकी 35% है, तो ऑटोमेटिक इसकी बॉटम पे सबसे मिनिमम होगी। जरा चेक करें B2 में कितनी है, 1%, ठीक है ना। इस तरह अगर मैं स्टायरीन की बात करूं, 4% है, टॉप पे है। अब स्टायरीन बॉटम पे मैक्सिमम होगी, नुमान कितनी है स्टायरीन बॉटम पे, नुमान? सर ये समझ नहीं आई, दोबारा बताएं। देखिए बच्चा, ऐसे है कि डिस्टिलेशन कॉलम में, सेपरेशन में कुछ कंपोनेंट होते हैं लाइट, हल्के कंपोनेंट्स होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट होता है कम, ठीक है, वो टॉप पे चले जाएंगे। जिनका आप अभी गूगल पे आप बाद में चेक कीजिएगा, बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, फिर टॉलीन सबसे ज्यादा, सबसे कम टॉलीन का होगा, फिर बेंजीन का होगा, फिर ज़ाइलीन का होगा, फिर स्टायरीन। यानी जो सबसे टॉप पे कंपोनेंट जाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे क्या होगा, कम, मोर वोलेटाइल है, थोड़ी सी हीट मिली है टॉप पे चला गया, सेपरेट आउट हो गया। जो टॉप पे सबसे कम परसेंटेज वाला कंपोनेंट वो होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे ज्यादा, जो कि मोर लेस वोलेटाइल है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा, जिसमें फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग है जो उसको जाने नहीं देती ऊपर, तो टॉप पे वही चीज जाएगी। बॉटम पे कौन सी चीज जाएगी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, जिसके अंदर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो ऊपर जा ही नहीं सकता, फोर्सेस इतनी ज्यादा है कि वो उसको टॉप की तरफ लेके जाए, या बॉइलिंग पॉइंट की भी, या रिलेटिव वोल्टिलिटी भी आप कह सकते हो, जिस कंपोनेंट की रिलेटिव वोल्टिलिटी सबसे कम होगी या सबसे ज्यादा होगी, वो उस डिस्ट्रीब्यूशन से टॉप और बॉटम में डिवाइड हो जाएगा। तो आप लोग अब फिलहाल पेन और पेज पे इसको ड्रॉ करें, फिर इसको मैं एक्सेल पे आपको जरा करा देता हूँ, एग्जीक्यूट करवा देता हूँ। तो ये इक्वेशन कैसे बनी है, फर्स्ट इक्वेशन ये मुझे बता दे, ये कौन है, रोल नंबर 821 बैच, रोल नंबर 8, आप मुझे बता दें ये इक्वेशन कैसे बनी है, फर्स्ट इक्वेशन। ये पहले तो ये बताएं किसका बैलेंस लगाया हुआ है, ये किस कंपोनेंट का है, हेलो? अच्छा कोई और बता दे, एनीवन? सर ये यूनिट 2 है, इधर इधर जो बैलेंस लगा है। नहीं, ये ओवरऑल बैलेंस लगाया हुआ है 1, 2, और 3 के ऊपर, बाउंड्री लाइन जो ड्रॉ किया है, ठीक है, ओवरऑल बैलेंस है। और किस कंपोनेंट का बैलेंस है ओवरऑल, ज़ाइलीन एक्स का है बैलेंस, ठीक है, किसका बैलेंस है एक्स का, यानी फीड, फीड का फ्लो रेट मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन ऑफ ज़ाइलीन इन फीड, एक्स एफ क्या है, फ्रैक्शन ऑफ ज़ाइलीन इन फीड इज इक्वल टू, अब डी वन का हम, डी वन में क्या है, डी वन मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन ऑफ ज़ाइलीन इन डी वन प्लस फ्रैक्शन ऑफ ज़ाइलीन इन, ये सारी क्वेश्चन आप, पहले क्वेश्चन ज़ाइलीन का बैलेंस है, सेकंड ओवरऑल बैलेंस है, सेकंड इक्वेशन आपके पास एस है, एस यहाँ पे क्या है स्टायरीन, सेकंड इक्वेशन स्टायरीन का बैलेंस है, थर्ड इक्वेशन आपकी कौन सा बैलेंस है टॉलीन का, फोर्थ कौन सा है बेंजीन का। तो ये चार बैलेंस है, चार कंपोनेंट है फीड में, तो कितनी क्वेश्चन बन गई हैं, चार। फीड में भी चार कंपोनेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स में भी हर स्ट्रीम पे आपको चार कंपोनेंट्स, सेम कंपोनेंट्स शो हो रहे हैं, तो अगर फीड में चार हो, हर प्रोडक्ट्स में भी वही कंपोनेंट्स जा रहे हो, तो आप चार इक्वेशन बनाते हो फीड के बेसिस पे। तो ये चार कंपोनेंट्स हैं, और हमारे पास अननोन कितनी वेरिएबल्स हैं ओवरऑल, अननोन कितने, मोमना बच्चे आप बताओ अननोन वेरिएबल्स कितने हैं इस पूरे सिस्टम में ओवरऑल? सर एक D1 है, D2, B1 एंड B2, तो कितने हो गए, 4, और इक्वेशंस कितनी है सर, 4, तो 4-4 आंसर क्या आया सर, 0, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, 0, इसका मतलब सिस्टम इज, योर सिस्टम इज स्पेसिफाइड, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम कहां से मिटे बैलेंस, यूनिट 1 पे लगाएं, 2 पे लगाएं, 3 पे लगाएं, फीड से लगाएं, कंपोनेंट लगाएं, क्या करें, तो आपको चेक पता चल गया, फर्स्ट चेक ओवरऑल बैलेंस, बाउंड्री लाइन ड्रॉ करो, ओवरऑल इक्वेशंस बनाओ, चार कंपोनेंट चार इक्वेशंस, तो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये लिख लिए सबने, या मैं इसको अभी वेट करूं, आप लिखेंगे तो फिर नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं। ये सॉल्व कर लिए, इक्वेशंस बना लिए, ये यूनिट्स ड्रॉ कर लिए सबने, ये रेड लाइन जो डॉटेड है ना, दैट रिप्रेजेंट्स बाउंड्री लाइंस, ओवरऑल बाउंड्री लाइंस, क्योंकि हमें डी भी नहीं पता, इस डी में जो चार कंपोनेंट आ रहे हैं उनकी कंपोजिशन नहीं पता, बी भी नहीं पता, कंपोजिशन नहीं पता, तो
तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बनता है कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट ओवरऑल पे करें। जिस बच्चे ने कर लिया वो मुझे बता दे ताकि फिर हम नेक्स्ट। ये अटेंडेंस जो बच्चे लेट आए थे कर लिए, चैट बॉक्स में अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम मेंशन कर दें। और क्योंकि ये 6 बच्चे ने किया हुआ है और इस पे क्लास में ज्यादा बच्चे जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, जो लेट आए थे नाम और रजिस्टर नंबर मैसेज कर दें चैट बॉक्स में। ये सेकेंड सेमेस्टर से नहीं किया हुआ, रोल नंबर 8 ने नहीं किया हुआ, ये रोल नंबर 12 ने नहीं किया हुआ शायद, और हज़ा आपका भी नहीं है इसमें रजिस्ट्रेशन, रोल नंबर आपने भी नहीं ऐड किया। क्वेश्चंस बना लिए सबने? नुमान बना लिए क्वेश्चंस आपने? नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। यस सर, अपने पास एक्सेल ओपन कर लें सारे बच्चे जिन्होंने नहीं किया हुआ। तो ये क्वेश्चंस बन जाएंगी सेम यही चीज, यानी आपने फीड का फ्लो रेट 1000 था, फीड में उसकी कंपोजिशन 0.15 थी और D1 में कंपोजिशन 0.07 थी, यही है ना, 0.07 इसमें है D1 में और 0.18 B1 में है, 0.15 D2 में है और 0.24 B2 में है, 0.24 B2 में। ये सारी क्वेश्चंस बना ली, कंपोजिशन लिख लिए। अब आपने एक उसमें मैथ में एक आपने पढ़ा होगा मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए ना एक रूल पढ़ा होगा कि हम एक अपनी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक मैट्रिक्स को ए का नाम दे देते हैं, एक को हम एक्स का नाम दे देते हैं जो हमने फाइंड आउट करना होता है, जो उसको प्रोडक्ट कहते हैं, और एक को हम क्या कह देते हैं बी, ए एक्स इज इक्वल टू बी। ये सुना होगा सबने, ये फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट ईयर मैथ में आपने पढ़ा होगा रूल ए एक्स इज इक्वल टू बी। यस सर। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो है ये सारी चीजें क्या, ये क्या होगी, ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, ये भी ए के कंपोनेंट हो गए, और ये जो B1, D1, B2, ये सारे के सारे क्या हो गए एक्स जो हमने निकालने हैं, और ये जो कंपोजिशन है दैट बिकम्स इक्वल टू बी। ये फ्रैक्शंस आपके पास ए है, ये मैं भी आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता दूं। ये सबने, ये सारे बच्चे इसको जरा लिख लें एक दफा, फिर हम इसी चीज को सॉल्व करेंगे। ये जो आपने मैट्रिक्स का रूल पढ़ा था ना, इसको एक्सेल पे सॉल्व करेंगे। हमारे ऑटोमेटिक जो है प्रोडक्ट्स में जो स्ट्रीम्स अननोन थी, 4 अननोन से वो फाइंड आउट हो जाएंगे, कैलकुलेट हो जाएंगे। इकरा बच्चे लिख लिए सर आपने, इक्वेशंस बना लिए जरा इस पे, क्योंकि ये हमारे इससे एक्सेल पे कैलकुलेशंस हैं, तो उसके लिए पहले जरूरी है कि आपने उसको एक्सेल को कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दोगे ना तभी वो सॉल्व करेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन है जो आप डाटा बना रहे हो, फिर एक्सेल में हम इसको पुट करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। किसने कर लिया है? ये आपके पास लेक्चर है ना सबके पास, वहां से आप देख लो, मैं एक्सेल पे जा रहा हूं, वहां से ये स्लाइड देख लो आप।